तो मेरे दिन के 12 से 14 घंटे निकलते हैं स्क्रीन के सामने, या तो कोड करते हुए, क्योंकि मेरा जॉब है रिमोट जॉब और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला, या फिर एडिट करते हुए। अब बहुत बारी होता क्या है यार, आँखों में स्ट्रेन भी पड़ने लगता है, तो मैंने कई बार सोचा यार क्यों ना एक मॉनिटर खरीदा जाए। अब मॉनिटर सर्च करते करते मेरे पास बेंक्यू का एक मेल आता है, अजय वी हैव लॉन्च्ड अ न्यू मॉनिटर स्पेशली फॉर प्रोग्रामर्स, वुड यू लाइक टू रिव्यू दैट। मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिस वॉज द परफेक्ट मॉनिटर फॉर कोडिंग एज वेल एज एडिटिंग। मैंने रिवर्ट करा, श्योर व्हाई नॉट। जैसे ही मैंने वो सेंड वाले बटन पर क्लिक करा, मेरे घर की डोरबेल बजती है। सो दिस इज 27 इंचेस आई केयर प्रोग्रामिंग मॉनिटर बाय बेनक्यू। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं एंड देखते हैं कैसा है मॉनिटर। तो सबसे पहले हमें एक बेस प्लेट देखने को मिलती है और उसके बाद एक पावर कॉर्ड। मॉनिटर स्टैंड एंड फाइनली द मॉनिटर। चलो सेटअप करते हैं इसको। सो दिस इज द मॉनिटर। वेट, कुछ करते हैं। तो यार ये है हमारा कुछ न्यू सेटअप, ठीक है। पहले यार ऐसे ही बड़ा खलेरा सा पड़ा रहता था, अभी जाके मैंने सोचा ऑर्गेनाइज करते हैं, थोड़ा बढ़िया लगेगा देखने में। वहाँ पे है मेरा यूकुलेली जो मैंने एक साल पहले सीखना स्टार्ट करा था। 5-6 कॉर्ड्स मुझे आती है और ठीक ठाक मैं बजा लेता हूँ। ये बुक शेल्फ वगैरह और यहाँ पे बुक्स रखी हुई हैं कुछ। अब मैंने मंगवा तो बहुत सारी ली हैं, लेकिन एक एक पेज पढ़ा है बस इनका, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। एंड हेयर इज आर मॉनिटर। भाई साहब इतना प्यारा लग रहा है ना, इतना कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना मॉनिटर सेटअप को। मतलब मेरे जो रूम की थीम है वो है वाइटर ग्रे, और ये मॉनिटर इतना सेक्सी लग रहा है इसके साथ, मज़ेदार एकदम। ऊपर से जो इस मॉनिटर की वो है ना, क्या कहते हैं, एस्थेटिक्स कह लो, जिसके बेजल्स कह लो, वो बहुत थिन बेजल्स हैं, तो बड़ा प्यारा लग रहा है यार सेटअप। अब यार रिव्यू बनाने से पहले, मैं पिछले कुछ दिनों से इस मॉनिटर को यूज़ कर रहा हूँ, और जब आप एक 13 या 14 इंच की स्क्रीन से शिफ्ट करेंगे ना एक 27 इंच पे, तो भाई क्या मज़ा आता है यार। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने काश पहले क्यों नहीं खरीदा होता मॉनिटर। मतलब यार मैंने एडिट करके देखा स्पीति वाला वीडियो इस पे, मैंने कोड करके देखा इस पे, मैंने मतलब यूट्यूब चला के देखा इस पे, मैंने और भी चीज़ें करके देखी। बहुत सही मज़ा है यार, बहुत सही। मतलब एक टैब मेरा इधर खुला हुआ है, अगर दूसरा टैब मेरे लैपटॉप में खुला हुआ है, मैं साथ के साथ वहाँ देख के नोट्स बना सकता हूँ, मुझे स्विच नहीं करना पड़ रहा बार बार टैब्स में। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। और इस एक्सपीरियंस को जो और अच्छा बनाता है वो है इसकी डिस्प्ले। कलर्स इतने एक्यूरेट हैं, मतलब मेरे को बिल्कुल भी इतना डिफरेंस फील नहीं हुआ मैकबुक से इस पे शिफ्ट होते हुए। अब डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है वो है 2K, तो अच्छी खासी क्लियरिटी भी है। इसके साथ साथ एक चीज़ यार जो मुझे बहुत बढ़िया लगी वो है एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, एंटी ग्लेयर IPS डिस्प्ले। मैकबुक के डिस्प्ले क्या है ना, ग्लॉसी है, और मेरे रूम में काफ़ी सारी लाइट्स हैं, तो मतलब मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ तो वो लाइट्स रिफ्लेक्ट होती हैं और बड़ा अनोइंग सा लगता है। लेकिन यार इसकी जो एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है वो सही में बहुत बढ़िया वाली है। और टॉकिंग अबाउट द व्यूइंग एंगल्स, तो यार आप किसी भी एंगल से डिस्प्ले को देखोगे ना, आपको वही सेम कलर, वही परफेक्ट कलर्स देखने को मिलेंगे जो आपको सामने से देखने को मिलते हैं। अब यार इस मॉनिटर में आपको बहुत सारे मोड्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब जो भी पर्टिकुलर काम आप कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग मोड्स पर शिफ्ट कर सकते हो। अब इनमें से एक पहला काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड है कोडिंग मोड। तो यार अभी हम इसे डालते हैं कोडिंग मोड पे। दिस इज द कोडिंग मोड। अब आप जो कलर्स देखेंगे ना इसके, वो थोड़े से और सैचुरेटेड हो गए हैं, थोड़े और कॉन्ट्रास्ट बढ़ गया है, मतलब कलर्स पॉप आउट होके आ रहे हैं जिससे कोड पढ़ने में आसानी हो। अब यार हम इस मॉनिटर की हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर हमें नीचे चाहिए तो नीचे कर लिया, ऊपर चाहिए तो ऊपर कर लिया, एंड हम इसे साइड वेज भी रोटेट कर सकते हैं, इतना एंड इतना। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर फॉर कोडर्स, तो जो लोग कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, उनको वर्टिकल कोड करना थोड़ा ज्यादा पसंद होता है कि मतलब लाइन्स ऑफ कोड ज्यादा दिख जाए, तो हम इससे कर सकते हैं रोटेट 90 डिग्री तक। देखो अभी मैं आपको सेटिंग्स चेंज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम रोटेशन को कर देंगे 90 डिग्री, कन्फर्म, ठीक है। एंड इसको अरेंज करके हम डिस्प्ले को कर देंगे ऐसे। नाउ इट्स कम्प्लीट। अब जैसे हम यहाँ से यहाँ गए तो ये रहा हमारा कोड।
कभी कभी होता क्या है कि कोडिंग वोडिंग आप लोगों ने करी, अब आपको उसके बाद कुछ पढ़ना है, कुछ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने हैं, तो आप ई पेपर मोड पे शिफ्ट कर सकते हो। अब ई पेपर मोड इज़ जस्ट लाइक जैसे किंडल का डिस्प्ले हो जाता है ना, वैसा डिस्प्ले इसका हो जाता है और आपको रीड करने में बहुत आसानी होगी, आपकी आईज़ पे बहुत कम स्ट्रेन पड़ेगा। उसके अलावा मूवी मोड इज़ ऑल्सो देयर, गेमिंग मोड इज़ ऑल्सो देयर, एंड अनदर इंटरेस्टिंग मोड इज़ देयर ऑल्सो विच इज़ एम बुक मोड। तो जब भी आप अपने मैकबुक को इस मॉनिटर के साथ कनेक्ट करोगे ना और एम बुक मोड भी यूज़ करोगे, तो यार जो कलर्स होंगे मैकबुक के और मॉनिटर के वो बहुत ज़्यादा सिमिलर से होंगे। मतलब बेनक्यू वालों ने इतनी अच्छी तरीके से उस चीज़ को सिंक कर रखा है ना कि कलर डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा कि यार मैकबुक की ही डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं। अब यार एक चीज़ मुझे और अच्छी लगी, मॉनिटर जो है ना वो लेआउट रिमेंबर कर लेता है। मतलब अगर आप ऑफिस वाले लैपटॉप के साथ यूज़ कर रहे हो, जैसे मैं ऑफिस वाले लैपटॉप के साथ यूज़ कर रहा हूँ कोड कर रहा हूँ, तो वाला लेआउट ये रिमेंबर कर लेगा। उसके बाद ऑफिस खत्म होने के बाद मैं अगर एडिटिंग वगैरह कर रहा हूँ पर्सनल लैपटॉप पे, तो पर्सनल लैपटॉप वाला भी लेआउट ये रिमेंबर कर लेगा। मतलब मुझे बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विच इज़ क्वाइट गुड। अब यार ये सारे मोड्स आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, लेकिन दिस मॉनिटर हैज़ ब्राइटनेस इंटेलिजेंस टू। तो सराउंडिंग के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने कलर्स, अपनी ब्राइटनेस को चेंज करेगा, जिसकी मदद से आपकी आंखों पे कम से कम स्ट्रेन पड़े। एंड बेनक्यू हैज़ देयर ओन सॉफ्टवेयर, आई केयर यू सॉफ्टवेयर, जिसकी हेल्प से आप ये सारी चीज़ें भी कंट्रोल कर सकते हो। अब यार इस मॉनिटर को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना बहुत आसान है, एक टाइप सी टू टाइप सी केबल दे रखी है, एक एंड आपने लगाया मॉनिटर में, एक एंड आपने लगाया अपने लैपटॉप में। जो उस टाइप सी टू टाइप सी केबल का आउटपुट है वो है 65 वॉट का, तो लैपटॉप भी मस्त एकदम चार्ज होता है। अब मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी, जैसे मैकबुक वगैरह में क्या होता है ना कि इतने सारे पोर्ट्स नहीं दे रखे होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक्सटेंडर लगाना पड़ता है, लेकिन जो टाइप सी टाइप सी केबल है ना जिससे आपने मॉनिटर और लैपटॉप को कनेक्ट कर रखा है, उससे आप लोग यार चार्ज तो कर ही पाओगे अपना लैपटॉप, स्क्रीन शेयर तो कर ही पाओगे, मॉनिटर यूज़ तो कर ही पाओगे, लेकिन मॉनिटर के अंदर भी काफ़ी सारे पोर्ट्स दे रखे हैं, आप उन सारे पोर्ट्स को भी यूज़ कर पाओगे। बहुत बढ़िया लगा मुझे, मतलब कि यार आपको एक्सटेंडर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस मॉनिटर हैज़ बिल्ट इन स्पीकर्स विद बिल्ट इन माइक, और माइक भी ऐसा वैसा नहीं, विद नॉइस कैंसलेशन। तो कभी होता क्या ना कि यार मतलब मीटिंग वगैरह आपकी एकदम से अर्जेंट, आपको ईयरफोन्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप डायरेक्टली मॉनिटर से भी अटेंड कर सकते हो, आपको माइक ऑन ऑफ का भी बटन मिल जाता है। उसके साथ साथ मीटिंग अटेंड करते टाइम यार ज़्यादा शोरगुल वगैरह नहीं जाएगा नॉइस कैंसलेशन की वजह से। तो यार यही सब कुछ था इस मॉनिटर के बारे में। अब यार मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मेरी नीड के हिसाब से वो सारी चीज़ें इस मॉनिटर में जो मुझे चाहिए थी। तो अगर आप लोगों को भी प्रोग्रामिंग करना पसंद है, आप लोगों को एक अच्छा डिस्प्ले चाहिए, आंखों पे कम स्ट्रेन पड़े, या फिर आप लोग थोड़ी बहुत एडिटिंग भी करते हो, एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ मॉनिटर यू कैन गो फॉर दिस। उससे पहले एक और चीज़, मतलब यार मॉनिटर खरीदने से पहले मैं काफ़ी सोच रहा था शुड आई इन्वेस्ट इन मॉनिटर, क्या मतलब उतना वर्थ इट भी होगा या नहीं होगा। अभी मुझे लगता है कि यार मुझे मॉनिटर में बहुत पहले इन्वेस्ट कर देना चाहिए था, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, काफ़ी काफ़ी मज़ा आता है काम करने में। इवन यार आप वो छोटी सी स्क्रीन के सामने बिल्कुल घूर नहीं रहे हो, आपको सारी चीज़ें बड़ी दिख रही हैं। तो अगर आप लोग भी मॉनिटर खरीदना चाहते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट्स कुछ ऐसी हैं मेरे जैसी हैं, तो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।